नमस्कार दोस्तों, विद्कुल स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम सबके जीवन में चार प्रमुख चीजें होती हैं जिनसे हमें उचित दूरी बनानी है। वो कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और वादा तो किया जाता है तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, वो चार प्रमुख चीजें हैं रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव, दोस्त यानी कि फ्रेंड, पड़ोसी यानी कि नेबर और सोशल मीडिया। दोस्तों, हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी वगैरह वो पर्सनल चीज होती है, व्यक्तिगत चीज होती है, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बिजनेस की उम्मीद उनसे हमें नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव की। दोस्तों, रिलेटिव आपके बहुत करीबी है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो रिश्तेदार आपके लिए खड़ा रहता है, जब भी आप पर कोई दुख आता है रिश्तेदार आपके साथ खड़े रहते हैं। क्या वो सुख में भी खड़े रहेंगे, क्या वो आपके साथ आपकी कामयाबी में भी खड़े रहेंगे, बिल्कुल कम ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रॉब्लम है तो रिश्तेदार आपको आपके साथ खड़े रहेंगे और प्रॉब्लम है तो आप रिश्तेदारों को याद करते रहोगे। सुख में कौन याद करता है, और दोस्तों जब आप कामयाब हो जाओगे तो पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो है भूल जाओगे, और यही फॉर्मूला जो है वो रिश्तेदारों को याद होता है, इसलिए वो जो है वो दुख में आपके साथ रहते हैं, प्रॉब्लम में आपके साथ रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप दुख में रहो, प्रॉब्लम में रहो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप सुख में रहोगे हमें भूल जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे तो हमें भूल जाओगे। तो दोस्तों, रिश्तेदारों को जो है उचित दूरी उनके साथ हमें बनानी चाहिए। रिश्तेदार व्यक्तिगत चीज होते हैं, पर्सनल चीज होते हैं, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्त की। दोस्तों का भी यही होता है, अगर आपका सर्कल बहुत अच्छा है तो दोस्तों के भरोसे जो है बिजनेस नहीं करना चाहिए कि दोस्त जो है आपका सामान खरीद लेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसको जो है आप कुछ इस तरह समझो कि दोस्त जो है आपको 5,000 की दारू पिला देगा लेकिन 50 रुपए का जूस पिलाने में उसको दिक्कत होती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए वो आपके साथ खड़ा है लेकिन आपके बिजनेस चलाने में वो आपका साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि बाद में हम जो है वो ये कहते हैं कि फला मेरा रिश्तेदार था, दोस्त था, आज मेरी कामयाबी में साथ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपके बिजनेस का पड़ोसी होता है यानी कि नेबर होता है। दोस्तों, वो जब आप कोई नई दुकान करते हो, फैक्ट्री करते हो, तो जो आपका बिजनेस का पड़ोसी होता है वो आपसे उम्मीद करता है कि आप 100 की चीज उसको 90 में दोगे, 10% 20% का वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा पड़ोसी होने के नाते। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका नया बिजनेस होता है तो ग्राहक कम होते हैं, आप सोचते हैं जितने में माल निकल जाए उतना अच्छा है, ये मेरा पड़ोसी भी है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। दोस्तों, बिजनेस जब नया होता है तो आप 100 की चीज भी अगर 120 में बेचते हो अपना मार्जिन मिला के, तब भी आप यकीन मानिए आप 100 की चीज 80 में बेच रहे होते हो। वो इसीलिए है कि आपको जितने ग्राहक चाहिए है, 100 की चीज 120 बेचने में उतने ग्राहक आपको नहीं, आपके पास नहीं आते हैं, और जो खर्चे होते हैं सैलरी का, रेंट का, बिजली का, अन्य खर्चे होते हैं, उसके कारण जो है वो 100 की चीज आप 80 में ही बेच रहे होते हो, और जब पड़ोसी का डिस्काउंट भी दे देते हो तो दोस्तों वो मार्जिन और भी कम हो जाता है। हम 100 की चीज को जो है वो 60-70 रुपए में ही बेच रहे होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को जो बिजनेस के होते हैं उधार में माल दे देते हैं। हम ये सोचते हैं कम बिक रहा है, अभी कम है, जो निकल जाए वो निकल जाए। बाय चांस मान लीजिए आपका बिजनेस फेल हो जाता है, नहीं चल पाता है, दोहरी मार पड़ती है, बिजनेस फेल होता है, आपके पैसे जो है डूब जाते हैं, और दोस्तों जो दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी समझ के जिसने, जिसको आपने उधार दिया है, यकीन मानिए आपको पैसे नहीं लौटाएंगे, दोहरी मार जो है आप पर पड़ेगी। और दोस्तों, जो आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हो, उसको भी आहत होता है। तो दोस्तों, थोड़ी ही उचित दूरी जो है हमें रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसी से बनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। किसी का कोई फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें 2,00,000 मेंबर है, हमने सोचा हम उसके एडमिन है, हमने सोचा कि हमारे पास 2,00,000 मेंबर है, हम कोई बिजनेस करेंगे, ये हमारा खरीद लेंगे प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो आभासी दुनिया है, वो इंटरनेट की दुनिया है, वो काल्पनिक दुनिया है, वो आपकी लीड कन्वर्ट नहीं होंगी, और दोस्तों वो आपका प्रचार भी नहीं करेंगे। आपकी अच्छी चीजें हैं तो बहुत सारे ग्राहक आपके पास आ जाते हैं, तो दोस्तों इस भरोसे में हमें नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई रेस्टोरेंट रोहतक में किया है और तमिलनाडु,
का कोई ग्राहक जो है वो हमारा रेस्टोरेंट जो है हम इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फेसबुक पे देख लेता है तो क्या वो हमारा माल खरीद लेता है, क्या वो हमारे समोसे खा लेता है? नहीं। खाएगा कौन? जो लोकल होगा। तो दोस्तों हम जो है सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने जो बिजनेस है उसका प्रचार करने में, लेकिन ग्राहक आएगा लोकल। तो दोस्तों हम क्वालिटी भूल जाते हैं, हम अपना क्वालिटी टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी दुकान सजाकर उसको देते रहते हैं। हम जो है शुरुआत में ही बिजनेस जो है फ्लिपकार्ट से, हम शुरुआत में ही बिजनेस जो है जोमेटो से स्विगी से करने लग जाते हैं तो हमारा मार्जिन और भी कम हो जाता है। तो दोस्तों कुछ महीने या साल भर जो है हमें सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों दुर्घटना घटती है तब जब आप सावधानी हटाते हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बिजनेस के पड़ोसियों से, सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए जो है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते उचित दूरी जो है बनाए रखनी चाहिए। सवारी अपने सामान का स्वयं जिम्मेवार होता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही लेसन में, पाठ में, अध्याय में, और आशा है आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे बिजनेस की बारीकियों को। ओम विताय नमः। नमस्कार दोस्तों।